नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। इस एजुकेशन पॉलिसी में बस सभी चीजों को ऐड किया गया जो कि पहले के एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था, या कह सकते हैं कि जो खामियां थी उन खामियों को इस एजुकेशन पॉलिसी में दूर करने का कोशिश किया गया है। हम बात करेंगे इस पॉलिसी में कुछ ऐसे बिंदुओं पर जिनको जानना आप सभी को अति आवश्यक है। जैसे पहले लोग छात्र यानी पिछले एजुकेशन में ऐसी पढ़ाई को लोग पढ़ रहे थे जिसे पढ़ने के बाद अगर नौकरी हुई तब तो ठीक है, और अगर नौकरी नहीं हुई तो वैसे विद्यार्थी किसी काम के नहीं रह जाते थे। कहने का मतलब है कि उनके पास फिर एक ही रास्ता था कि कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करें, यानी शॉर्ट टर्म कोर्स करें, तब जाकर उनका स्वरोजगार होगा या किसी प्राइवेट सेक्टर में वह नौकरी कर सकते थे। यह एजुकेशन सिस्टम पर बार बार सवाल उठ रहा था कि शिक्षा पद्धति को बदलनी चाहिए, शिक्षा के सिस्टम को बदलना होगा ताकि अगर नौकरी नहीं ली हुई तो कम से कम हम अपना रोजगार कर सके, और रोजगार होने के लिए हुनर की आवश्यकता होती है, आपके पास कुछ स्किल होने की आवश्यकता है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी हिस्ट्री ऑनर्स करता है, उसके बाद मास्टर डिग्री लेता है, और मास्टर डिग्री के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो पीएचडी करता है। नौकरियां सीमित है, हर व्यक्ति को दे पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर उस विद्यार्थी को नौकरी नहीं हुआ तो वह किस तरह का व्यवसाय करता? या तो वह पढ़ाने का काम कर सकता था, या फिर एक ही रास्ता था कि अगर उसके पास खेती है तो जाकर खेती करें, क्योंकि कोई भी धंधा अगर आप करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं तो आपको स्किल की आवश्यकता होती है, और बिना स्किल के आप कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकते। तो यह डिमांड कई वर्षों से विद्यार्थियों का था, जो कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दूर किया गया है, यानी शिक्षा के पद्धति में बदलाव लाया गया है। यह बदलाव आप पर थोपा नहीं गया, बल्कि यह बदलाव आपके डिमांड को फुलफिल कर रहा है। आपका जो डिमांड था उस डिमांड को इस राष्ट्रीय एजुकेशन यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 में दूर किया गया है। और क्या क्या है इसको जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो तक बने रहें। धन्यवाद।